कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेटेस्ट रिक्वायरमेंट लेकर आ चुके हैं। किसी भी कैंपस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार का जो एसी बनाने वाली कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट आ चुकी है। यह जो रिक्वायरमेंट आई है इसकी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बात को समझ में आएगी। पूरी वीडियो आप नहीं देखते हैं इसलिए आपको कुछ बात अधूरे जानकर आप चले जाते हो तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाता है। इसलिए पूरी बात को जानिए, उसके बाद आप इस जॉब के लिए जाएंगे, डायरेक्ट कंपनी में आपको जॉब दी जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नोएडा में फ्रेशर आईटीआई कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिनका भी ट्रेड फीटर, टर्नर, वेल्डर, आरएसी, एमबीएम, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मशीनिस्ट, केवल यही ट्रेड के कैंडिडेट के लिए यह जॉब हम लेकर आए हैं। पासिंग ईयर की बात करें 2015 से लेकर 2020 के अंदर अगर आप पास आउट किए हैं तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर आप देखिए, अब इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले के भी अलाउ हो चुकी है। पहले अलाउ नहीं थी एसी बनाने वाली कंपनी में, अब इसको अलाउ कर दिया गया है। आपको जो भर्ती होने वाली है वो भर्ती आपको 6 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आपको कंपनी के अंदर आपको करवा दिया जाएगा, यानी भर्ती आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा 6 अक्टूबर 2022 सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में आपको करवाएगी। अगर आप 8:30 बजे या 9 बजे के बाद आएंगे तो आपको ये संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए सारी जानकारी को ध्यान से पहले समझिए। अगली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगली जानकारी क्या दिया है, कृपया बैग पैक करके साथ आए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, कृपया बैग पैक करके साथ लाए, कंपनी में ज्वाइनिंग इंटरव्यू के ही दिन आपके हो जाएंगे। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगी उसी दिन आपको कंपनी में भर्ती हो जाएंगे, अपना काम करने के लिए आप चले जाएंगे। इसलिए जो भी है आपका है बैग, जो भी सामान आपको लेकर आना है वो डायरेक्ट लेकर ही आएंगे। कंपनी का एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार के एसी बनती है फेज 2 नोएडा में आपकी जॉब रहेगी, वहीं पर आपको आना है। केवल वही आए जिनका आधार कार्ड कंपनी से 250 किलोमीटर का दूर हो या बाहर का हो। कहने का मतलब ये जो कंपनी है एसी बनाने वाली कंपनी, ये नज़दीक जो भी नज़दीक के लोग हैं उनको यह मेन पावर मतलब नहीं देती है नौकरी, बाहर वाले कैंडिडेट को देती है। अब क्या रीज़न है इसके लिए हम नहीं जानते, क्योंकि यह जो जॉब आपको मिलेगी वो ठेकेदार के थ्रू आपको जॉब दी जा रही है। लोकल कैंडिडेट नॉट अलाउ यहाँ पर दी गई है जानकारी। सैलरी की यहाँ पर बात करें, जो इन हैंड आपको सारे चीज़ काट कर 10,500 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। 8 घंटे ड्यूटी का मैंने आपको 10,000 सैलरी भी बोले हैं और 500 आपको अटेंडेंस अवार्ड दिया जाएगा। प्लस में इसके अलावा अगर आप ओवर टाइम लगाते हो इस कंपनी में तो आपको 3,500 से लेकर 4,000 लगभग आपको मंथली ओवर टाइम आपको इस कंपनी से हर मंथ आपको मिल जाएंगे, यानी लगभग आपको जो सैलरी मिलेगी वो 14,000 या 15,000 के आसपास आपको सैलरी आसानी से आपको मिल जाएगी अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो। एज ए नॉर्मली जो कंपनी का ओवर टाइम चलता है इससे आपको 14-15 रुपया आसानी से पुर जाएंगे। अगर आप डेली ओवर टाइम लगाते हैं तो आपको 17 तक पहुंच जाएगा काटा, ठीक है। कैंटीन आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको कैंटीन आपका चार्ज पे करके आपको कैंटीन आप ले सकते हैं, 11 रुपये पर डाइट आपको मिलेगी। बस सर्विस आपको मिलेगी जिसके लिए आपको 300 रुपये पर महीना देना होगा लोकल वर्ल्डी के, ठीक है, जो लोकल में रूम लिए उसके लिए। डिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको जॉब दी जाएगी वो नीम ट्रेनिंग के थ्रू आपको जॉब दी जाएगी, केवल लड़कों के लिए जॉब दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होना चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। अब आगे बात करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पर, कैंडिडेट कॉल कर लिस्ट में नाम लिखाकर एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर जो इस काम को करना है, इस जॉब को पाना है, तो आपको ये जो प्रवीण का नंबर है इस पर आपको क्या करना है, आपको पहले कॉल करके उनके लिस्ट में जो होगा वो लिस्ट आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, और उसमें आपका नाम अगर आता है तो अभी आप जहाँ भी अभी है वहाँ से आप निकलने का प्रयास कीजिएगा। जब लिस्ट में नाम आएगा तभी निकलिएगा, अगर आपको लिस्ट में नाम नहीं आती है तो आप नहीं निकलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी पूछताछ करनी है तो सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को इस जॉब से रिगार्डिंग जो भी जानकारी प्राप्त करना है आप कर सकते हैं। समय के बाद कॉल नहीं करना, ठीक है, यानी आपको 11 बजे और 2 बजे के बाद अगर आप कॉल करते हैं, 11 और 2 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको कॉल नहीं करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिज्यूम आपका अपना भेज देना इस व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दिखाया हूँ, और एड्रेस तभी मिलेगा जब लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है ना। जब अगर लिस्ट में नाम आपको लिखा जाएगा उसके बाद ही आपको एड्रेस भेज दिया जाएगा से आप इस कंपनी के लिए आने वाले, तब आप कंपनी के लिए जाएंगे। और विशेष रूप से आपको टाइम से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके यहाँ पर दिया है, अगर दिए गए समय अनुसार आपका कॉल नहीं लगता है तो उसके बाद कॉल बिल्कुल ना करें, अति कृपा होगी, क्योंकि कॉल नहीं उठाया जाएगा, अति कृपा होगी। संडे ऑफ रहता है, यानी संडे को आपको छुट्टी रहती है, ठीक है ना। यह जॉब फ्री है, अपने ग्रुप में शेयर करें, यह जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोएडा में आपको सबकी वैकेंसी आपको बता चुके हैं मैं, फिर से यहाँ पर देख सकते हैं फ्री यहाँ पर रिपीटेड हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर कह सकते हैं रिपीट पूरा हो गया, ठीक है ना। तो यह जॉब फ्री है, आप लोग जाइए और इस जॉब को कीजिए। अगर इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, व्हाट्सएप पर जाकर संपर्क कीजिए या कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। तो मिलते हैं नई रिक्वायरमेंट के साथ, ठेकेदारी जॉब है पहले बोल देता हूँ।